नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे दूसरा T20 मुकाबला जो खेले जाने वाला है श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। तो दोस्तों, मुकाबला 15 अक्टूबर को खेले जाने वाला है, 7 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा रणगिरी दाबूला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका की पिच पर। तो दोस्तों, आज के मैच में हम ग्रैंड लीग टीम कैसे बना के चलें, श्रीलंका की तरफ से दोस्तों कौन से खिलाड़ी को हम कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चल सकते हैं, और दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से कितने खिलाड़ी आज के मैच में इंपोर्टेंट होंगे, वनिंदु हसरंगा को कैप्टनशिप में लगा के चलें या फिर दोस्तों चरित असलंका आज के मैच में परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि पिछले मैच में दोस्तों मैंने आपको एक एक खिलाड़ी के बारे में पूरी डिटेल में बताया था कि कौन सा खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा, कौन सा खिलाड़ी आज के मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, कितने खिलाड़ी हम वेस्ट इंडीज की तरफ से लेके चल सकते हैं और कितने खिलाड़ी दोस्तों श्रीलंका की तरफ से लेके चल सकते हैं। एक एक खिलाड़ी के बारे में दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था, और जिसने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा उसकी दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में रैंक भी काफी अच्छी देखने को मिली होगी। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों हम सेकंड T20 मुकाबला कवर करेंगे। जानेंगे सबसे पहले रणगिरी दाबूला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका की जो पिच है वो कैसी है। यहां पर दोस्तों इस ग्राउंड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इस पिच पर पहला T20 मुकाबला खेला गया था, बाकी दोस्तों यहां पर लंका प्रीमियर लीग के मैचेज खेले गए थे, और उन मैचों में दोस्तों बैटिंग ऑर्डर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पहले ही आपको बता देता हूं। उसी के साथ दोस्तों पिच के बारे में बात कर लेते हैं। पिच यहां पर आपको बैटिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 4 इंटरनेशनल T20 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं। जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबला दोस्तों यहां पर विन किया है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पर दोस्तों एवरेज स्कोर काफी अच्छा है, लगभग आपको 184 के करीब स्कोर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने बनाया था 209 रन का, और सबसे कम स्कोर भी दोस्तों यहां पर अफगानिस्तान की टीम ने बनाया था, ओनली 115 रन पे ऑल आउट है। पिच के कंडीशन के हिसाब से बात करें तो पिच दोस्तों बैटिंग पिच है, यहां पर बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैप्टन और वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चलना है। उसके साथ बॉलिंग की बात कर लेते हैं। लास्ट के जो 5 मुकाबले इस ग्राउंड पे खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेस बॉलर ने यहां पर 34 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया है, प्लस में स्पिन बॉलर को दोस्तों यहां पर 25 विकेट मिली है। इस ग्राउंड पे दोस्तों स्पिन बॉलर भी परफॉर्मेंस करेंगे, प्लस में पेस बॉलर को भी यहां पर विकेट मिलने वाली है। उसके साथ स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पे स्कोर देखने को नहीं मिला है। 150-170 के बीच में एक बार स्कोर है, 170-190 के बीच में 2 बार स्कोर है, 190 से ऊपर इस ग्राउंड पे दोस्तों अभी तक 1 बार स्कोर देखने को मिला था, जो कि अफगानिस्तान की टीम ने दोस्तों इस पिच पे बनाया था। बात करेंगे रीसेंट वाले मैचों के अकॉर्डिंग, तो रीसेंट में दोस्तों श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में पहला T20 मुकाबला खेला गया था। श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन का टारगेट रखा था, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ने 19 ओवर में दोस्तों आराम से मैच को विन किया। इस मैच में 4 विकेट दोस्तों स्पिन बॉलर को मिली थी, 7 विकेट यहां पर पेस बॉलर ने निकाली। उसके बाद लंका प्रीमियर लीग के मैचेज खेले गए थे कैंडी फाल्कन वर्सेज गाले मार्वल के बीच में। इस मैच में दोस्तों 6 विकेट स्पिन बॉलर को, 4 विकेट यहां पर पेस बॉलर को मिली थी। उसके बाद कोलंबो स्ट्राइकर वर्सेज जाफना किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। हर मैच में दोस्तों स्कोर है काफी अच्छा देखने को मिला था। एक ही मैच में दोस्तों दाबूला सिक्सर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए ओनली 160 रन बनाए थे, और यहां पर चेज करती हुई गाले मार्वल की टीम दोस्तों हार गई थी। बाकी सभी मैचों में दोस्तों बैटिंग काफी अच्छी देखने को मिली है, किसी मैच में 170 प्लस का स्कोर है, किसी मैच में 180 प्लस का स्कोर देखने को मिला है। और इस मैच में दोस्तों 11 विकेट पेस बॉलर ने निकाली थी, 7 विकेट दोस्तों स्पिन बॉलर को मिली, और यहां पर 4 विकेट स्पिन बॉलर को और 6 विकेट दोस्तों यहां पर पेस बॉलर को मिली है। रीसेंट वाले मैचों के अकॉर्डिंग बात करें तो इन मैचों में दोस्तों पेस बॉलर ने भी परफॉर्मेंस किया है, प्लस में स्पिन बॉलर को भी विकेट मिली है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग दोस्तों काफी अच्छी इस ग्राउंड पे देखने को मिली है। उसी के साथ हेड टू हेड के बारे में बात कर लेते हैं।
तो हेड टू हेड के लास्ट के जो 10 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं उसमें दोस्तों श्रीलंका की टीम ने ओनली 3 ही हेड टू हेड मुकाबले विन किए हैं। वेस्ट इंडीज की टीम ने 7 हेड टू हेड मुकाबले विन करके रखे हैं। रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 में से दोस्तों 4 मुकाबले बैक टू बैक वेस्ट इंडीज की टीम विन करके आ रही है और यहां से श्रीलंका की टीम दोस्तों रिसेंट के 5 में से 1 ही मुकाबला अभी तक विन किया है। 1 मुकाबला दोस्तों यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने विन कर लिया है। अब ये जो सेकंड मैच है अगर इसमें फिर से वेस्ट इंडीज की टीम विन कर जाती है तो सीरीज दोस्तों वेस्ट इंडीज के नाम हो जाएगी। लेकिन आज के मैच में श्रीलंका की टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है तो एक ग्रैंड लीग टीम का जो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा वो दोस्तों हम श्रीलंका के ऊपर भी ट्राई करके चलेंगे। वैसे दोस्तों हेड टू हेड और यहां पर रिसेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं श्रीलंका की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में कि श्रीलंका की तरफ से दोस्तों हम कौन से खिलाड़ी को कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई करके चले। ओपनिंग बैट्समैन आपको यहां से प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस जो कि रिसेंट के मैच में लगभग एवरेज स्कोर देखने को मिला था, उसके बाद कुशल परेरा, कामनिंदु मेंडिस, चरित असलंका और बानुका राजपक्षा, वनिंदु हसरंगा, उसके बाद चामनिंदु जो कि दोस्तों आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा, तिक्सना पथिराना और यहां से अविस्का फ्रेंडो। ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी श्रीलंका की टीम की तरफ से। बाकी दोस्तों बात करेंगे इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन प्रथम निशंका रिसेंट वाले मैच में एवरेज स्कोर है ओनली 11 रन के साथ परफॉर्मेंस है। उसके बाद 45 रन है, हेड टू हेड में 5 मुकाबले 143 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, 28 का एवरेज स्कोर है ग्राउंड पे, 34 का एवरेज स्कोर है और 28 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में लेके चलना है क्योंकि दोस्तों अगर आज के मैच में भी ये खिलाड़ी अगर फ्लॉप होता है तो यहां से फिर से हारेगी श्रीलंका की टीम। उसी के साथ दोस्तों कुशल मेंडिस रिसेंट के मैच में 19 रन विकेटकीपर ऑप्शन है, उसके बाद फ्लॉप है, 1 मैच में 59 रन और 1 मैच में 30 रन। हेड टू हेड में दोस्तों ये भी फ्लोपी देखने को मिला है, ग्राउंड पे भी फ्लोप है, T20 फॉर्मेट में ओनली 25 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। लेकिन दोस्तों प्रथम निशंका आपकी टीम में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। उसके बाद कुशल परेरा रिसेंट के मैच में दोस्तों फ्लोपी देखने को मिला है कंटिन्यू 3 मैचों से, उसके बाद 46 रन फिर दोस्तों 15 रन हेड टू हेड में 27 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे ओनली 6 ही रन है, 26 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। उसके बाद यहां पर कामनिंदु मेंडिस रिसेंट के मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, यूनिक कप्तान भी देखने को मिला था, बहुत ही लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वेन्यू पे इस खिलाड़ी ने 1 ही मुकाबला खेला था और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने किया था। हेड टू हेड में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, T20 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करें तो 17 मैचों में ओनली 331 रन है और 1 विकेट इसके पास है इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में, जो कि दोस्तों वेस्ट इंडीज की के सामने 1 विकेट निकाली हुई है। रिसेंट में 51 रन 1 विकेट, उसके बाद 23 रन नाबाद, 40 रन 0 विकेट, उसके बाद फ्लोप है, फिर दोस्तों यहां पर 26 रन, हेड टू हेड में 1 मुकाबला 1 विकेट इसके पास है, प्लस में 51 रन है, ग्राउंड पे दोस्तों 1 विकेट, प्लस में 116 रन बना चुका है, पिच पे दोनों मैचों में नाबाद है, रिसेंट के लगातार मैचों में दोस्तों परफॉर्मेंस है। लेकिन कुशल परेरा दोस्तों आज के मैच में आपका ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होगा और लगभग दोस्तों ड्रॉप करके नहीं चलना है, चाहे ग्रैंड लीग टीम हो या फिर स्मॉल लीग टीम हो। उसी के साथ चरित असलंका रिसेंट के लगातार मैचों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दोस्तों, 1 मैच में 59 रन, सेकंड मैच में 206 रन, प्लस में 2 विकेट, फिर यहां पर 12 रन 1 विकेट, 32 रन 1 रन, प्लस में 2 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों काफी अच्छी बैटिंग इस खिलाड़ी की देखने को मिली है, 2 ही मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज के सामने खेले हैं, 127 रन बना चुका है, 63 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 22 का एवरेज स्कोर है, T20 फॉर्मेट में 24 का एवरेज स्कोर है। लेके चलना है, यूनिक कप्तान में भी ट्राई करके चल सकते हो क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी फिर से आपको यूनिक कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बानुका राजपक्षा रिसेंट में 17 रन, हेड टू हेड में 2 मैचों में ओनली 17 रन है, ग्राउंड पे दोस्तों 17 रन, T20 फॉर्मेट में 23 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों बानुका राजपक्षा को हम ड्रॉप ही करके चलेंगे। उसके बाद वनिंदु हसरंगा रिसेंट के मैच में 1 रन, प्लस में 1 विकेट, उसके बाद 62 रन, प्लस में 2 विकेट, फिर यहां से 3 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 3 रन नाबाद, प्लस में
दो विकेट। हेड टू हेड में 7 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 12 विकेट निकाल चुका है। बैटिंग से 21 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 5 विकेट 25 का एवरेज स्कोर, T20 फॉर्मेट में 115 विकेट इसके पास है और 13 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। ये खिलाड़ी दोस्तों टीम का एक सेफ कैप्टन वॉइस कैप्टनसी है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट ये खिलाड़ी करके दे सकता है। उसके बाद चामनिंदू विश्वकर्मा सिंह रिसेंट के मैच में दोस्तों यहाँ पर 4 रन प्लस में 0 विकेट और उसके बाद दोस्तों 0 रन 1 विकेट। तो विक्रमा सिंह के बारे में बात करें तो दोस्तों ये लंका प्रीमियर लीग के मैचों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिला था। रिसेंट के मैचों के अकॉर्डिंग बात करें तो रिसेंट में दोस्तों फ्लोप है, यहाँ पर 10 रन 2 विकेट है। डेब्यू किया है दोस्तों T20 फॉर्मेट में, 1 मुकाबला काफ़ी टाइम पहले खेला था और 1 मुकाबला अभी रिसेंट में खेला है, लेकिन बैटिंग से 4 रन नाबाद इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिले थे, बाकी दोस्तों बॉलिंग से फ्लोप है। उसके बाद तिक्सना दोस्तों 1 विकेट आपको कन्फर्म निकाल के देगा, रिसेंट के कंटिन्यू मैचों में 1-1 विकेट, उसके बाद 3-3 विकेट, हेड टू हेड में 1 विकेट है, ग्राउंड पे 3 विकेट है, 50 विकेट इसके पास है T20 फॉर्मेट में। उसके बाद पथिराना जो कि आपकी टीम का एक सेफ वॉइस कैप्टन है, रिसेंट के लगातार मैचों में दोस्तों इस खिलाड़ी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 2 विकेट, ग्राउंड पे 10 विकेट, T20 फॉर्मेट में 21 विकेटों के साथ इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है। ओनली 13 ही मुकाबले अभी तक इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं। उसी के साथ दोस्तों असीता फ्रेंडो रिसेंट के मैच में फ्लोप है, आज के मैच में 1 विकेट कन्फर्म निकाल के देगा, रिसेंट के मैच में फ्लोप, प्लस में हेड टू हेड वेन्यू पे फ्लोप है, 7 मुकाबले T20 फॉर्मेट के और ये खिलाड़ी फ्लोप ही देखने को मिला है। ओनली 4 विकेटों के साथ इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक मैच में फ्लोप होता है, एक मैच में 1 विकेट के साथ इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस होता है। ये दोस्तों फाइनली आपको श्रीलंका के फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों स्टार्टिंग और डेथ में कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा, तो स्टार्टिंग के ओवर दोस्तों यहां पर विक्रमा सिंह के देखने को मिलेंगे, ये खिलाड़ी आपकी टीम का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, बॉलिंग सेक्शन में पिक करके चलना है, बैटिंग से परफॉर्मेंस प्लस में बॉलिंग से परफॉर्मेंस करके देगा। उसके साथ असीता फ्रेंडो और यहाँ से तिक्सना, और डेथ में दोस्तों यहां से आपको पथिराना के ओवर देखने को मिलेंगे, असीता फ्रेंडो के, तिक्सना के, वनिंदो हसरंगा के, ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं जो कि दोस्तों डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के आपको 3 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो कि स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ बेंच प्लेयरों की बात करें, टोटल दोस्तों 6 बेंच प्लेयर हैं, नुआन तुसारा, बिनरू फ्रेंडो, उसके साथ जेफरी, उसके साथ डोनित वेला लेगे, अविस्का फ्रेंडो और दिनेश चांदीमल, ये टोटल दोस्तों 6 बेंच प्लेयर हैं। इनमें से कोई भी खिलाड़ी अगर फाइनली प्लेइंग 11 में अपडेट होता है, वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे दोस्तों वेस्ट इंडीज की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। पिछले मैच में दोस्तों एविन लुइस ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, वीडियो के अंदर ही मैंने बता दिया था आपको कि काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों यहां पर मैच खेलेगा ये खिलाड़ी, क्योंकि इंजरी के कारण दोस्तों ड्रॉप था टीम से, और अभी रिसेंट में ये खिलाड़ी 100 के मैच भी खेल के आया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिला था। ब्रेडन किंग है, होप है, रोस्टन चेज है, रोमन पोवल है, उसके साथ रदरफोर्ड है, रोमारियो शेफर्ड जो कि ट्रंप कार्ड खिलाड़ी होता है हर मैच में, स्प्रिंगर, गुड़ाकेस मोटी, अलजारी जोसफ और उसके साथ समर जोसफ, ये दोस्तों फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से। बात करेंगे इनके प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। ओपनिंग बैट्समैन यहां से एविन लुइस, रिसेंट के मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था 50 रन के साथ, हेड टू हेड में 5 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 113 रन है, 22 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे दोस्तों 50 रन, 30 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। उसके साथ दोस्तों ब्रेडन किंग, रिसेंट के मैच में 63 रन, उसके बाद 3 रन, फिर फ्लोप है, फिर यहां से 27 रन, फिर दोस्तों यहां पर 29 रन के साथ परफॉर्मेंस किया, हेड टू हेड में 46 का एवरेज स्कोर है, ग्राउंड पे 63 रन है, 29 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। दोनों में से दोस्तों एक खिलाड़ी आज के मैच में कंफर्म फ्लोप होने वाला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम दोस्तों लगभग चांसेस बनेंगे कि पहले बैटिंग करते हुए ही नजर आएगी। यहां से दोस्तों मेरे को लगता है कि आज के मैच में फ्लोप हो सकता है एविन लुइस, अभी के लिए आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो ब्रेडन किंग, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा सा एक्सपीरियंस, बैटिंग ऑर्डर तो वैसे दोनों ही हैं, लेकिन ब्रेडन किंग दोस्तों काफ़ी समय से अभी खेल रहा है और यहाँ पर एविन लुइस थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ था, उसी के कारण दोस्तों यहाँ पर एक खिलाड़ी आपको फ्लोप देखने को मिलेगा। उसकी जगह आपको होप को पिक करके चलना है, विकेट कीपर ऑप्शन में, रिसेंट के मैच में फ्लोप था, उसके बाद कंटिन्यू इस खिलाड़ी की तरफ से एवरेज परफॉर्मेंस है, ड्रीम टीम में देखने को मिल जाएगा, हेड टू हेड में 7 रन, ग्राउंड पे 7 रन, T20 फॉर्मेट में
26 का एवरेज स्कोर है। उसके बाद रोस्टन चेज रिसेंट के मैच में 19 रन प्लस में 0 विकेट, 39 रन नाबाद 1 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट। हेड टू हेड में अभी तक इस खिलाड़ी को एक भी विकेट नहीं मिली है। 28 रन बैटिंग से है, ग्राउंड पे 19 रन है। T20 फॉर्मेट में बैटिंग लगभग काफी अच्छी है। 30 का एवरेज स्कोर है, प्लस में 18 विकेट निकाल चुका है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से दोस्तों ये खिलाड़ी पॉइंट करके देगा। उसके बाद रोमन पोवल रिसेंट के मैच में 13 रन, उसके बाद 12 रन, फिर यहां से 9 रन नाबाद है। हेड टू हेड में 12 का एवरेज स्कोर, ग्राउंड पे 13 रन है। T20 फॉर्मेट में 24 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए दोस्तों ड्रॉप ही करके चलेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड रिसेंट के मैच में 14 रन नाबाद, हेड टू हेड वेन्यू पे एक ही मुकाबला खेला है जो कि 14 रन के साथ परफॉर्मेंस है। 28 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में है। दोनों खिलाड़ियों को दोस्तों अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलेंगे। इनकी जगह आप रोमारियो शेफर्ड को जरूर पिक करके चलना है क्योंकि इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बैटिंग से भी परफॉर्मेंस होगा, प्लस में दोस्तों बॉलिंग से भी ये खिलाड़ी विकेट निकाल के जाएगा। रिसेंट में भी 1 रन नाबाद प्लस में 2 विकेट, उसके बाद 19 रन नाबाद 1 विकेट, फिर यहां से 3 विकेट, फिर यहां पर 2 मैचों में फ्लोप है। हेड टू हेड में एक ही मुकाबला इस खिलाड़ी ने खेला था, 2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस है। ग्राउंड पे भी 2 विकेट है। T20 फॉर्मेट में 48 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस है। 28 का एवरेज स्कोर दोस्तों इस खिलाड़ी का बैटिंग से है। उसके बाद स्प्रिंगर जो कि दोस्तों T20 फॉर्मेट में डेब्यू किया है, 1 विकेट के साथ शुरुआत हुई, बाकी रिसेंट के 3 मैचों से परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिला है। हेड टू हेड वेन्यू पे दोस्तों 1-1 विकेट है। अगर फिर से खेलता है तो लेके चलना है, 2 विकेट दोस्तों ये बॉलर कन्फर्म निकालने वाला है। उसके बाद गुड़ाके स्मोटी रिसेंट के मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड वेन्यू पे 1-1 विकेट है, 23 विकेट निकाल चुका है T20 फॉर्मेट में। अलजारी जोसफ कंटिन्यू दोस्तों इस खिलाड़ी के पास 1-1 2-2 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस है। 49 विकेट निकाल चुका है T20 फॉर्मेट में। हेड टू हेड और दोस्तों वेन्यू दोनों फॉर्मेट में 1-1 विकेट के साथ इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है। उसी के साथ फाइनल बॉलर के बारे में बात कर लेते हैं, समर जोसफ के बारे में। रिसेंट के लगातार मैचों में दोस्तों इस खिलाड़ी ने 1-1, 2-2, 3-3 विकेटों के साथ परफॉर्मेंस किया है। हेड टू हेड में 1 विकेट, ग्राउंड पे 1 विकेट, 9 विकेट निकाल चुका है T20 फॉर्मेट में। तो यहाँ से दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करें तो एक आप यहाँ पर होप को ट्राई करके चल सकते हो। ब्रेडन किंग प्लस में एविन लुइस के बारे में बात करें तो दोनों में से आप एक खिलाड़ी पिक करके चल सकते हो। रोस्टन चेज आपकी टीम का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, उसके साथ साथ रोमारियो शेफर्ड इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, और यहाँ से दोस्तों समर जोसफ प्लस में स्प्रिंगर और गुड़ाके स्मोटी, इन तीनों में से दोस्तों एक ही बॉलर आपको ट्राई करके चलना है। अलजारी जोसफ इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों उस खिलाड़ी की तरफ से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसी के साथ स्टार्टिंग एंड डेथ वाली खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग की ओवर अलजारी जोसफ, समर जोसफ और उसके साथ रोमारियो शेफर्ड के देखने को मिलेंगे। डेथ में दोस्तों रोमारियो शेफर्ड, अलजारी जोसफ, समर स्प्रिंगर और उसके साथ साथ समर जोसफ के ओवर देखने को मिलेंगे। ये टोटल दोस्तों 4 बॉलर हैं जो कि डेथ में बॉलिंग करवाएंगे। ऊपर के 3 खिलाड़ी हैं जो कि स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ फ्लिक्चर दोस्तों अगर खेलता है तो रिसेंट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। 48 का एवरेज स्कोर इस खिलाड़ी का हेड टू हेड में है। T20 फॉर्मेट में 20 का एवरेज स्कोर है। कोई भी खिलाड़ी यहां से फाइनली प्लेइंग 11 में अपडेट होता है वो अपडेट आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करेंगे फैंटेसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों के बारे में तो कुशाल मेंडिस, कामनिंदो मेंडिस, उसके साथ वनिंदो हसरंगा, पथिराना, ब्रेडन किंग, होप, रोस्टन चेज, उसके साथ रोमारियो शेफर्ड, ये टोटल 8 खिलाड़ी हैं जिनका फैंटेसी में हाई सिलेक्शन है। यहाँ से दोस्तों चरित असलंका और प्रथम निशंका दोनों खिलाड़ियों को मैंने आपको CVC के लिए बोला है कि कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में यूनिक खिलाड़ी है। एविन लुइस उसके साथ अलजारी जोसफ, ये टोटल 4 खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनका फैंटेसी में लो सिलेक्शन है, प्लस में आज के मैच में पिक करके चलना है। उसी के साथ मेरी जो आज की फाइनल फैंटेसी टीम का कॉम्बिनेशन होगा वो दोस्तों किस प्रकार से रहने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने होप को पिक किया है, कुशल मेंडिस है, चरित असलंका है, एविन लुइस है, ब्रेडन किंग है। यहाँ से दोस्तों आपको
वनिंदु हसरंगा, रोस्टन चेज, कामनिंदु मेंडिस, रोमारियो शेफर्ड और समर जोसफ और उसके साथ पथीराना। वीसी में दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा कामनिंदु मेंडिस, क्योंकि रिसेंट में बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस है, प्लस में बैटिंग से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एविन लुइस उसके साथ प्रथम निशंका। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आप ज़्यादा फोकस मत देना कि लगभग बॉलर्स को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ऑलराउंडर आज के मैच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ट्रंप कार्ड खिलाड़ियों के बारे में। अगर बात करें श्रीलंका की तरफ से, तो श्रीलंका की तरफ से दोस्तों प्रथम निशंका आज के मैच का ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है। उसके साथ साथ दोस्तों चरित असलंका ट्रंप कार्ड खिलाड़ी है, क्योंकि दोनों का लो सिलेक्शन है। कामनिंदु मेंडिस का थोड़ा सा हाई सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी आपको ड्रीम टीम में कन्फर्म देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ विक्रमा सिंह, वो भी दोस्तों आज के मैच में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। उसी के साथ बात करें अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो यहाँ से दोस्तों रोमारियो शेफर्ड, उसके साथ साथ मेरे को लगता है या तो एविन लुइस या फिर ब्रेडन किंग, दोनों में से एक ही खिलाड़ी आप ट्राई करके चलना। होप दोस्तों यहाँ से ट्रंप कार्ड खिलाड़ी देखने को मिलेगा। और अल्जारी जोसफ, ये दोस्तों फाइनली आपको ट्रंप कार्ड खिलाड़ी प्लस में फाइनल फैंटेसी टीम के दो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। बाकी अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से दोस्तों ज्वाइन कर लेना, प्लस में वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।